वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रेंडशिप बेल्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम वुलन के यार्न्स लेंगे 3 कलर के। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। तीनों की लेंथ एक समान होनी चाहिए, तो हम इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हो, यहाँ से हाथ के बराबर होनी चाहिए। हाथ की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से। अब तीनों धागे की मैंने लेंथ कट कर दी है, तो इसकी जो मिडल है यहाँ पे, ये एंड पार्ट है और ये मिडल पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको सिक्योर करूँगी, नॉट बनाऊँगी। नॉट बनाने के बाद इस तरह से हम रखेंगे, पहले 2 कलर रेड, फिर 2 कलर ग्रीन और लास्ट में 2 कलर येलो। इस तरह से रखने के बाद सेलो टेप से हम ये सिक्योर कर देंगे। फिर हम एट द एंड इसको निकाल देंगे, तब तक हम सेलो टेप से इसको सिक्योर करेंगे। ये स्टेप कंपलसरी है। अब यहाँ पे 2 रेड, 2 ग्रीन और 2 येलो कलर है, तो सबसे पहले हम रेड कलर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो किस तरह से, तो इसकी नॉट बना के, तो ये जो फर्स्ट रेड है तो वो सेकंड रेड के नीचे से हम इस तरह से लाएंगे और फर्स्ट नॉट बनाएंगे। वापस ऊपर से नीचे की साइड ले जाएंगे और इसकी नॉट बनाएंगे फर्स्ट। अब इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम ग्रीन के साथ यही स्टेप रिपीट करेंगे। ये जो ग्रीन है, फर्स्ट ग्रीन, तो इस तरह से हम नॉट बनाएंगे ऊपर से नीचे की साइड ले जाते हुए। 2 बार हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। अब 2 बार हो गया नॉट, तो इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे रेड के पास में। अब नेक्स्ट सेकंड वाला ग्रीन यूज़ करेंगे, अगेन 2 बार नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान है और बच्चों के लिए बेस्ट एक्टिविटी है। चलो, अब 2 बार ग्रीन हो गया, परफॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट येलो यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट येलो के साथ अगेन 2 बार नॉट बनाएंगे फर्स्ट येलो के साथ। देन नेक्स्ट हम सेकंड येलो के साथ बनाएंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे। शुरुआत में आपको इसकी पैटर्न का अंदाज़ा नहीं आएगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपको ये पता चलेगा। तो 2 बार हमने सेकंड येलो के साथ भी किया, तो ये हमने फर्स्ट रेड का कॉम्बिनेशन 2-2 बार नॉट बनाने का, फर्स्ट रेड, 2 ग्रीन और 2 येलो के साथ किया। अब हम इसको हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली सारे धागे अब हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, तो सेकंड वाला रेड, तो सिमिलर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला रेड है तो वो हम फर्स्ट ग्रीन के साथ कंबाइन करेंगे ऊपर से। नॉट आपको इस तरह से बनानी है, ऊपर से धागा इस तरह से लाके नीचे से फिर इस तरह से ऊपर लाना है। तो फर्स्ट ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब सेकंड ग्रीन के साथ अगेन 2 बार हम इस तरह से नॉट बनाएंगे। बहुत टाइट नहीं बनानी है, हल्के हाथों से आपको बनाना है। अब सेकंड येलो के साथ इस तरह से हम करते जाएंगे। अब ये सेकंड येलो के साथ, वो फर्स्ट येलो के साथ था। अब लास्ट जो है वो रेड है, तो रेड के साथ हम करेंगे इस तरह से। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो हमारे पास अभी फर्स्ट ग्रीन है, फर्स्ट कलर, तो इसी तरह से हमें कंटिन्यू करता रहना है। अब हम ग्रीन से शुरुआत करेंगे। अब ये जो ग्रीन है वो 2 बार हम इस तरह से नॉट बनाएंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, 2 बार येलो के साथ नॉट क्रिएट करेंगे इस तरह से, 2 बार सेकंड येलो कलर के साथ क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो ये पैटर्न
तो बस इसी तरह से अब हम रेड से शुरुआत करेंगे। इस तरह से ऊपर से नीचे की साइड ले जाएंगे और इस तरह से इसको दो बार ये स्टेप रिपीट करेंगे। फिर नेक्स्ट ग्रीन कलर है, तो इसी तरह से आप ये कर सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो स्टिच है वो कैसे वर्क करती है। दो बार यहाँ पे किया, अब नेक्स्ट ग्रीन के साथ करेंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल है छोटे बच्चों के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। वो खुद फ्रेंडशिप बेल्ट बना सकते हैं घर पे, और एक बेस्ट क्राफ्ट एक्टिविटी भी हो जाएगी उनके लिए। और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इन 10 से 15 मिनट लगेगा ये पूरा बेल्ट कम्प्लीटली बनाने के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सैंपल बना रही हूँ, इसीलिए मैंने लेंथ इसकी कट कर दी है। तो ये रेड का फर्स्ट लेयर हुआ, अब सेकंड हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये जस्ट सैंपल ही मैं यहाँ पे बना रही थी। अब नेक्स्ट सेकंड ग्रीन के साथ, इसीलिए मैंने जो ओरिजिनल लेंथ ली थी वो कट कर दी है। अब फर्स्ट येलो के साथ, अब सेकंड येलो के साथ, तो लेंथ मैंने जो आपको दी थी वही आप फॉलो करना। और लास्ट रेड के साथ, और इवन आप ये राखी के लिए भी यूज कर सकते हो ये टेक्निक। जैसे कि राखी का जो बेल्ट होता है वो आप इस तरह से बनाइए, और बीच में हम कुछ भी स्टोन या ऐसा कुछ रख सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ चार लेयर्स ही बनाए हैं, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। इसी तरह से आप मल्टीपल लेयर्स कर सकते हो, लेकिन मैंने ये जस्ट डेमो पर्पस बनाया है और मैंने यहाँ से लेंथ कट कर दी है। तो इसी तरह से आप ये बेस्ट फ्रेंडशिप बेल्ट में यूज़ कर सकते हो। अब ये जो होल है वो बांधने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए बनाया था। तो ये जो होल है ये आपको थोड़ा छोटा रखना है, तो यहाँ से आप इस तरह से नॉट क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल ये तो रिंग फॉर्म में ही हो गया। लेकिन जब आप पहनाओगे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, आप अपने कलर कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। और कंपलसरी तीन कलर्स आप यूज करना अलग अलग, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप जरूर ट्राई करना, कल फ्रेंडशिप डे है। और कुछ हैंडमेड बनाओगे तो उसकी कुछ अलग ही फीलिंग होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड डू ट्राई एंड शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन।